नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। प्रदेश में विकास की बात छोड़ दे तो लाउडस्पीकर पर तनातनी जारी है। आज हनुमान जयंती है और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने सरकार को सीधी चेतावनी दी है। इसी बीच ठाणे जिले के मुमरा इलाके में एक मस्जिद के सामने अनधिकृत प्रदर्शन करने के आरोप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो पुणे स्थित मंदिर में महाआरती की तैयारी पूरी हो चुकी है, जहाँ राज ठाकरे हनुमान चालीसा पाठ और महाआरती करने वाले हैं। वहीं राकांपा प्रमुख शरद पवार ने चेताया कि मनसे और भाजपा जैसी पार्टियों द्वारा मस्जिदों पर लाउडस्पीकरों के बारे में दिए बयान से राज्य में माहौल खराब हो सकता है। उन्होंने कल के अनर्गल बयानबाजी पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी जमकर आड़े हाथ लिया। तो अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने कहा कि हनुमान जयंती के मौके पर वो और उनकी पत्नी दोनों मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। ठाणे जिले के मुमरा इलाके में शुक्रवार को एक मस्जिद के सामने अनाधिकृत प्रदर्शन करने के आरोप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुमरा पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अशोक कड़लाक ने बताया कि मामले में आईपीसी की धारा 188 के साथ ही यहां निषेधाज्ञा से संबंधित प्रावधानों के तहत दर्ज मामले अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। पीएफआई के पदाधिकारी अब्दुल मतीन शेखानी ने कहा कि 10 अप्रैल को रामनवमी पर कुछ राज्यों में हिंसा की घटनाओं के बाद मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचारों को उजागर करने के लिए प्रदर्शन किया गया। मुमरा में जुमे की नमाज के बाद संगठन के मुमरा अध्यक्ष मतीन शेखानी ने कहा, हमें छेड़ोगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, लाउडस्पीकर पर हाथ लगाया तो हम सबसे पहले खड़े नजर आएंगे। मुमरा पुलिस ने अब्दुल मतीन शेखानी के खिलाफ बिना अनुमति सभा करने और कथित रूप से वहां भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 27/3 और 135 के तहत केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने 12 अप्रैल को ठाणे में आयोजित रैली में राज्य सरकार से 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो पार्टी कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर देंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई इसका देश भर में विरोध कर रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे आज हनुमान जयंती के मौके पर पुणे स्थित मंदिर में महाआरती करने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी पार्टी पदाधिकारियों ने दी है। खबर है कि ठाकरे यह पूजा प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में करेंगे। इधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पुणे इकाई ने भी सर्वधर्म कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। इसमें हनुमान जयंती और मंदिर में इफ्तार शामिल है। राज ठाकरे कुंठिकार रोड स्थित हनुमान मंदिर में महाआरती करेंगे। मनसे के नेता अजय शिंदे ने दावा किया है कि ठाकरे ही ने इस मंदिर को दोबारा तैयार करने में मदद की है, जबकि एनसीपी का कार्यक्रम कारीफ नगर के हनुमान मंदिर में आयोजित होगा। हाल ही में ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर के जरिए की जाने वाली अजान पर प्रतिक्रिया दी थी। मंगलवार को उन्होंने अपने इस मांग को दोहराया और सरकार को 3 मई तक लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने शिवसेना सरकार को चुनौती दी कि जो चाहे वह कर ले। मनसे प्रमुख ने कहा था कि यह धार्मिक नहीं सामाजिक मुद्दा है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई के मुस्लिम इलाकों में रेड करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि वहां रहने वाले लोग पाकिस्तान समर्थक है, मुंबई पुलिस को मालूम है कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन हमारे विधायक उनका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं है, लेकिन विधायकों ने बनवा दिए है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने फिर कहा कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग देश पर शासन कर रहे हैं वे इन दोनों राज्यों में किसी भी कीमत पर सत्ता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के लोगों के साथ साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सरकार बनाने में भाजपा के साथ सहयोग नहीं किया, इसलिए जिनकी उम्मीदें धाराशायी हो गई और वे इन दोनों राज्यों में हस्तक्षेप करने में व्यस्त है, जिसके परिणाम स्वरूप छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में मनसे और भाजपा जैसी पार्टियों द्वारा मस्जिदों पर लाउडस्पीकरों के बारे में दिए गए बयान से राज्य में माहौल खराब हो सकता है। राज्य के लोगों को सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होना चाहिए। मनसे प्रमुख राज ठाकरे अपने हालिया भाषणों और बयानों से हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि किसी ऐसी पार्टी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है जिसे लोगों ने चुनाव में खारिज कर दिया था। शरद पवार ने यह भी
संकेत दिया कि मौजूदा शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की महाविकास अघाड़ी राज्य में सत्तारूढ़ है और 2024 के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव का सामना करने का इरादा रखती है। राज्य में बिजली संकट पर पवार ने कहा कि एमवीएस सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है और इसे हल करने के लिए सभी कदम उठा रही है। 72,000 रुपए की ऋण माफी पर उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान सम्मान के साथ रह सके और उत्पादन भी बढ़ा सके। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी जोरदार हमला बोला। शरद पवार ने कहा कि 12 मार्च 1993 को एक मुस्लिम बहुल इलाके में भी विस्फोट होने के जिक्र वाले उनके बयान ने मुंबई में नए सिरे से सांप्रदायिक हिंसा नहीं होने दी थी। दरअसल बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने 29 साल पहले पवार की ओर से जानबूझकर दिए गए एक असत्य बयान का कल हवाला दिया और पवार की पार्टी पर तुष्टिकरण की राजनीति में संलिप्त रहने का आरोप लगाया। फडणवीस ने सिलसिलावार ट्वीट में कहा कि 12 मार्च 1993 को जब मुंबई सिलसिलावार विस्फोटों से दहल गया था, तब शरद पवार जी ने एक मुस्लिम इलाके में एक और विस्फोट की कल्पना की। कानून व्यवस्था के बजाय तुष्टिकरण उनकी पहली प्राथमिकता थी। जब हम सांप्रदायिक सौहार्द की उम्मीद करते हैं, तब इस तरह का यह दोहरा मानदंड क्यों? इस आरोप पर पवार ने कहा कि यह 100% सही है, मैंने ऐसा कहा था। कारण कि जिन 11 स्थानों पर विस्फोट हुए थे उनमें सिद्धिविनायक मंदिर जैसे हिंदुओं के महत्वपूर्ण स्थान थे। याद रहे पवार उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मैंने विस्फोटों में इस्तेमाल की गई सामग्री की व्यक्तिगत रूप से जांच की थी। इस तरह की सामग्री भारत में नहीं बनती। इसका मतलब है कि एक पड़ोसी देश हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाना चाहता था और मुंबई को चलाना चाहता था। उन्होंने कहा कि स्थानीय मुस्लिम इसमें शामिल नहीं थे। मैंने कहा था कि 12वां विस्फोट स्थल मोहम्मद अली रोड है ताकि दंगा नहीं हो। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि फडणवीस उन्हें जातिवाद से क्यों जोड़ रहे हैं। लाउडस्पीकर विवाद में अब इसमें अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा भी शामिल हो चुके हैं। रवि राणा ने कहा कि हनुमान जयंती के मौके पर वह और उनकी पत्नी दोनों मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इतना ही नहीं, जिन मंदिरों में लाउडस्पीकर नहीं है वहां मुफ्त में लाउडस्पीकर का वितरण भी किया जाएगा ताकि लोगों को हनुमान चालीसा सुनाई जा सके। विधायक रवि राणा ने कहा कि श्री राम हिंदुओं के आराध्य है, ऐसे में मंदिर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर होना चाहिए। मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, लेकिन क्या हिंदुओं और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? उन्होंने कहा कि अगर उनके अंदर बाला साहेब के संस्कार अभी भी जीवित होंगे तो वह जरूर ऐसा करेंगे। राणा ने कहा कि हनुमान जयंती के बाद वह अपनी पत्नी के साथ मातोश्री में आकर उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा सुनाएंगे। याद रहे इस मुद्दे की शुरुआत मुंबई बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने की थी। उन्होंने यह मांग की थी कि मुंबई शहर की मस्जिदों में लगाए गए सभी अवैध लाउडस्पीकर को हटाया जाए। हालांकि इस मुद्दे को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बीजेपी से छीन कर अपने कब्जे में ले लिया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने आज 16 अप्रैल को हनुमान चालीसा का सार्वजनिक पाठ करने का ऐलान किया है। राज ठाकरे खालकर चौक मारुति मंदिर पर शाम 6 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस दौरान उनके साथ समर्थकों की भारी भीड़ भी होंगी। कोरोना के आंकड़े फिर से डराने लगे हैं। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर 366 नए मरीज बढ़ गए हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम मामले में कहा है कि क्रूरता और व्यभिचार के इक्का दुक्का कृत्यों से किसी पत्नी का उसके पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। तो प्रयागराज शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर नवाबगंज में आज एक ही परिवार के 5 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर गुजरात के मोरबी में राम भक्त की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। तो उधर देश के प्रमुख शोध संस्थानों में से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने अपने कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी पोस्ट करने से परहेज करने की सलाह दी है। देश भर की इन 5 बड़ी और अहम खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 366 नए मरीज बढ़ गए। गुरुवार को पॉजिटिविटी रेट 2.49% था, जो शुक्रवार को 3.95% पहुंच गया। इससे साफ है कि संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राजधानी में एक्टिव केस की संख्या 1000 के आंकड़े को पार कर गई है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि हालात नियंत्रण में है और राजधानी में बड़ी लहर के खतरे से निपटने के लिए 65,000 बेड तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि अस्पतालों में अभी मरीजों को भर्ती करने की रफ्तार नहीं बढ़ी है, ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस बीच खबर है कि कोरोना की रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार कुछ कोविड पाबंदियों को फिर से लागू कर सकती है। सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अगर संक्रमण फैलता है तो सरकार ने 2 हफ्ते के भीतर दिल्ली के हर वार्ड में 100 ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की तैयारी कर ली है। फिलहाल दिल्ली में 37,000 कोविड बेड और 10,594 कोविड ICU बेड उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि हमने सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने को कहा है, अगर जरूरत पड़ी तो RT-PCR टेस्टिंग भी बढ़ाई जाएगी। दरअसल स्कूल खुलने पर तेजी से बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। चिंता इसलिए बढ़ रही है कि दिल्ली के अस्पतालों में 27% कोविड पेशेंट्स बच्चे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आमतौर पर बच्चों में कोविड से गंभीर बीमारी नहीं होती है और ज्यादातर घर पर ही ठीक हो जाते हैं, इसलिए फिलहाल यह सावधान रहने का वक्त जरूर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि क्रूरता और व्यभिचार के इक्का दुक्का कृत्यों से किसी पत्नी का उसके पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। हाईकोर्ट पत्नी को मासिक गुजारा भत्ता देने के लिए पति को एक निचली अदालत की तरफ से दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि पत्नी की तरफ लगातार और बार बार व्यभिचार के कृत्य करने पर ही पति की तरफ से गुजारा भत्ते के भुगतान से कानूनी छूट प्राप्त हो सकती है। कोर्ट ने कहा है कि पत्नी ने पति से अलग रहते हुए एक बार या एक बार से ज्यादा कभी कभार व्यभिचार किया है तो उसे नजरअंदाज किया जाएगा, यानी पत्नी के व्यभिचार में शामिल नहीं माना जाएगा। इससे पहले निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पारित आदेश में पति को निर्देश दिया था कि पत्नी को अगस्त 2020 से हर महीने 15,000 रुपए दिए जाए। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए पति ने दलील दी कि गुजारा भत्ता देने का निर्देश कई आधार पर कायम नहीं रह सकता, जिनमें क्रूरता, व्यभिचार और पत्नी द्वारा छोड़ देना शामिल है। हाईकोर्ट ने पति की रखी गई दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि गुजारा भत्ता का भुगतान नहीं करने के लिए क्रूरता और उत्पीड़न के आधार सही नहीं है, और जिन मामलों में क्रूरता के आधार पर तलाक दिया गया है उनमें भी अदालतों ने पत्नी को आजीविका राशि दिए जाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पत्नी लगातार व्यभिचार में संलिप्त रही है, यह साबित करने के बाद ही CRPC की धारा 125 के तहत उसका भरण पोषण रोका जा सकता है। प्रयागराज शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर नवाबगंज में आज एक ही परिवार के 5 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। रात में सोते समय राहुल तिवारी, उनकी पत्नी प्रीति और 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज सुबह जैसे ही यह खबर फैली इलाके में हड़कंप मच गया। हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है। तीनों बेटियों का नाम माही, पीहू और पाहू था। बड़ी बच्ची की उम्र 12 साल बताई जा रही है, दूसरी और तीसरी क्रमशः 7 और 5 साल की है। खागलपुर गांव में पुलिस की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक परिवार कौशंबी का रहने वाला है। वह नवाबगंज के खागलपुर में किराए पर कमरा लेकर रहता था। सभी की हत्या सोते वक्त की गई है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी पहुंचकर जांच कर रहे हैं। घटना की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। घर के मुखिया राहुल तिवारी का शव लटका हुआ मिला है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस आसपास के लोगों से सुराग निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल तिवारी के लटके शव से पुलिस को शक हो रहा है, क्योंकि बाकी की हत्या धारदार हथियार से की गई है। पुलिस अंदाजा लगा रही है कि अगर बाहरी किसी व्यक्ति ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है तो वह राहुल तिवारी की भी हत्या धारदार हथियार से ही करता। शक की सुई राहुल तिवारी की ओर भी घूम रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर गुजरात के मोरबी में राम भक्त की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है, इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत में भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने मूर्ति का अनावरण करते हुए कहा कि हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामकथा का आयोजन भी देश के अलग अलग हिस्सों में किया जाता है। भाषा बोली जो भी हो, लेकिन रामकथा की भावना सभी को जोड़ती है, प्रभु भक्ति के साथ एकाकार करती है। यही तो भारतीय आस्था है कि हमारे अध्यात्म की, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की ताकत है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे बताया गया कि हनुमान जी की इस तरह की 108 फीट ऊंची प्रतिमा देश के अलग अलग कोने में स्थापित की जा रही है। हम पिछले कई वर्षों से शिमला में हनुमान जी की प्रतिमा देख रहे हैं। आज मोरबी में दूसरी प्रतिमा स्थापित हुई है। दो अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का कार्य चल रहा है। सबका साथ सबका प्रयास का उत्तम प्रमाण प्रभु राम की जीवन लीला भी है, जिसके हनुमान जी बहुत अहम सूत्र रहे हैं। सबका प्रयास की इसी भावना से आजादी के अमृत काल को हमें उज्ज्वल करना है, राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए जुटना है। देश के प्रमुख शोध संस्थानों में से एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने अपने कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी पोस्ट करने से परहेज करने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, संस्थान ने कहा है कि ये उनके परिवारों पर भी लागू होगा। 13 अप्रैल को जारी किए गए सर्कुलर में ये सलाह दी गई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि संस्थान के स्टाफ सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान फील्ड स्टेशनों, आवासीय संपत्ति या किसी अन्य सरकारी संपत्ति से संबंधित किसी भी फोटो या वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने से बचे। स्टाफ सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी सरकार विरोधी सामग्री को अपलोड करने से बचे। परिवार के सदस्यों को भी इसके बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक ख्यातिनाम संस्थान है। 1944 में होमी जे भाभा ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को पत्र लिखकर एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था। टाटा समूह के तत्कालीन अध्यक्ष जेआरडी टाटा के समर्थन से इसकी स्थापना 1 जून 1945 को हुई और होमी भाभा को इसका पहला निदेशक नियुक्त किया गया। संस्थान ने शुरू में भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर के परिसर से इसे संचालित किया, बाद में मुंबई के कोलाबा में इसका स्थानांतरण हुआ। यहाँ संस्थान भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 जनवरी 1962 में किया था। दुनिया भर में उथल पुथल है, ऐसे में माया कैलेंडर का जिक्र समीचीन है, क्योंकि इसके रहस्यों को आज तक इंसान समझ नहीं पाया। शोधकर्ताओं को हाल ही में माया कैलेंडर के कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि माया सभ्यता में चिन्ह के अलावा लेखनी का काफी पहले से इस्तेमाल होता रहा है। अब बात उथल पुथल की, तो सेना के 7 जवानों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। वही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर से कहा है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बीच चीन के शंघाई में कोरोना से स्थिति खराब हो गई है। उधर श्रीलंका में महंगाई और आर्थिक संकट को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। माया कैलेंडर का इस्तेमाल हजारों वर्षों से उत्तरी और मध्य अमेरिका में लोग करते हैं। हालांकि अभी भी इस बात का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सका है कि माया कैलेंडर कितना पुराना है, लेकिन हाल ही में शोधकर्ताओं को माया कैलेंडर के अवशेष मिले हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि माया सभ्यता में चिन्ह के अलावा लेखनी का काफी पहले से ही इस्तेमाल होता रहा है। शोधकर्ताओं ने बताया कि उन्हें ग्वाटेमाला में माया उत्खनन स्थल सैन्य बार्टोलो में चूना प्लास्टर से बने 2 टुकड़े मिले हैं, जिसमें से ऊपरी हिस्से पर एक 7 हिरन का चिन्ह है, वही दूसरा टुकड़ा लेखन परंपरा की ओर इशारा करता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके जरिए माया सभ्यता में लेखन के विकास के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 249 अन्य टुकड़े भी मिले हैं। ये टुकड़े लास पिंटुरास पिरामिड परिसर के अंदर मिले हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह चूना प्लास्टर जिस कैलेंडर का है उसमें 260 दिनों का एक साल होता है। 7 हिरन कैलेंडर में एक दिन का संकेत करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए पता चलता है कि यह प्राचीन माया कैलेंडर करीब 300 ईसा पूर्व का है। शोधकर्ताओं के अनुसार माया संस्कृति के लोगों के पास 4 तरह के कैलेंडर होते थे। वह समय का हिसाब रखने में काफी रुचि रखते थे। समय को मापने के लिए भी उनके पास अलग अलग तरीके थे। इन्हीं में से एक पवित्र भविष्यवाणी कैलेंडर यह भी है, जिसमें 7 हिरन का संकेत बना होता है। हालांकि यह लॉन्ग काउंट कैलेंडर नहीं है, जिसके जरिए 2012 में दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी की गई थी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के 7 जवान मारे गए थे। वहीं एक दूसरे हमले में एक अन्य सैनिक की मौत हो गई। अब दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस हमले का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी पत्रकारों ने ट्विटर पर दावा किया कि देर रात पाकिस्तानी विमानों ने अफगानिस्तान के कुनार खोस्ट और चोगम और पेचा मेला पर बमबारी की। अफगानिस्तान के मशहूर पत्रकार बिलाल सरवरी ने पाकिस्तानी हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत 5 लोगों के मरने की जानकारी दी है। माना जा रहा है कि इस घटना के बाद से पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। अफगानिस्तान के कुनार और खोस्त प्रांत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित है। पाकिस्तान से जुड़े मामलों के जानकार फरहान जाफरी ने अपने ट्वीट थ्रेड में बताया कि सूत्रों के मुताबिक हवाई हमलों के अलावा भारी गोलाबारी भी हुई है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में TTP आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ अभियान चला रही है।
उन्होंने दावा किया कि टीटीपी के ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तानी हमलों के जवाब में तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच झड़प शुरू हो गई है। तालिबान खोस्त और कुनार में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अतिरिक्त सैन्य बल जुटा रहा है। टीटीपी के लड़ाके भी इस लड़ाई में शामिल है। इस बीच टीटीपी ने भी आधी रात को बाजौर में पाकिस्तान के एक सैन्य अड्डे पर हमले का दावा किया है। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग को अब 52 दिन पूरे हो चुके हैं। कई इलाकों से रूसी सैनिक पीछे हटे हैं तो कुछ जगहों पर पहले से अधिक भीषण हमले देखे गए हैं। अभी इस युद्ध पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी चेतावनी अमेरिकी खुफिया एजेंसी भी दे चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा कि दुनिया के सभी देशों को इस संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि सवाल सिर्फ यूक्रेन का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने हाल ही में डूबे रूसी जहाज से लेकर अपने सैनिकों की मौत का जिक्र किया। 50 से अधिक दिन की लड़ाई के बाद भी यूक्रेन की राजधानी कीव जेलेंस्की सरकार के नियंत्रण में है। कड़े प्रतिरोध के चलते कई प्रमुख यूक्रेनी शहर अभी भी रूस के कब्जे से बाहर है। अमेरिकी अधिकारियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर पुतिन इस युद्ध में कमजोर पड़ते हैं तो वह यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस के ब्लैक सी फ्लैगशिप युद्धपोत मोस्कवा के डूबने के बाद रूसी मीडिया ने दावा किया था कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। रूस का सरकारी मीडिया इस युद्धपोत के डूबने को लेकर पश्चिमी देशों को जिम्मेदार बता रहा है। युद्धपोत के डूबने के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वह आने वाले दिनों में यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल हमलों में तेजी लाएगा। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन के लिए यूक्रेन के लोगों की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। चीन में शुक्रवार को 3,400 से अधिक लोग जांच में कोविड-19 से संक्रमित पाए गए, जबकि बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों की संख्या 20,700 दर्ज की गई। चीन के शंघाई शहर में सबसे अधिक मामले पाए गए हैं, जहां लंबे समय से लॉकडाउन है। शंघाई में प्रतिदिन मिलने वाले नए मरीजों की संख्या लगातार सबसे अधिक है। इस शहर में सबसे पहले ही कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए कई दौर के परीक्षण किए जा चुके हैं। साथ ही संक्रमितों के इलाज के लिए अस्थायी अस्पताल बनाए जा चुके हैं। शंघाई में स्थिति इतनी खराब होने लगी है कि आधिकारिक चीनी मीडिया ने भी जनता के असंतोष को उजागर करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि सरकारी ग्लोबल टाइम्स में भी शुक्रवार को छपी रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई शहर कोरोना वायरस संक्रमण के ओमिक्रॉन स्वरूप के खिलाफ अपने सबसे कठिन समय से गुजर रहा है। सबसे अधिक बुजुर्ग आबादी प्रभावित है। शंघाई चीन के उन शहरों में से एक है जहाँ बुजुर्गों की आबादी सबसे ज्यादा है। अनिश्चितकालीन लॉकडाउन के दौरान इस समूह पर ज्यादा प्रभाव इसलिए भी आया क्योंकि अधिकतर लोग उम्र संबंधी पुरानी बीमारियों से भी ग्रसित है। इसे देखकर इंटरनेट पर जन आक्रोश की सुनामी आ गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हैनान प्रांत के दौरे में कहा कि यह देखते हुए कि स्थिति अभी भी गंभीर है, हमें अपनी प्रतिक्रिया में कभी भी ढील नहीं देनी चाहिए। जीत दृढ़ता से ही आती है। श्रीलंका में महंगाई और आर्थिक संकट को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और भी अधिक तेज होने लगा है। आम लोग, वकील, खिलाड़ी के बाद अब पुलिसकर्मी भी अपनी आवाज बुलंद करने में लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पुलिस के एक हवालदार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ देर बाद उसे शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। कोलंबो के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट केमिंडा परेरा ने जानकारी देते हुए बताया कि हवालदार दंड संहिता, पुलिस अध्यादेश और आधिकारिक गोपनीयता अध्यादेश की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। पुलिस हवालदार की ओर से राष्ट्रपति के वकीलों सहित निःशुल्क वकीलों का एक समूह अदालत में पेश हुआ। 29 अप्रैल को मामले की फिर से सुनवाई होनी है। इस बीच पुलिस ने गालेफेस विरोध में वर्दी में शामिल हुए पुलिस हवालदारों के संबंध में भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि जांच की प्रगति के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर 8वें दिन भी बड़ी संख्या में कलाकार और पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने राजधानी कोलंबो के मुख्य समुद्र तट गालेफेस पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। सभी प्रदर्शनकारी श्रीलंकाई सरकार द्वारा आर्थिक स्थिति से निपटने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी राजपक्षे की सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाते रहे हैं। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।